Good morning dear students. So from the topic physical features of India we have covered three topics. First one was the Himalayan mountains. Second one was the northern plains of India and the third one was the great Indian desert or the Thar desert. So today we are going to discuss about the next physical feature of India that is the peninsula. So first of all we must know that what is a peninsula? सो पेनसोला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वॉटर फ्रॉम थ्री साइड वी कैन सी ऑन द मैप दिस पार्ट ऑफ इंडिया इट इज़ सराउंडेड बाय वॉटर फ्रॉम थ्री साइड सो दिस इज अ पेनन्सोला इसका बिल्कुल जो अपोजिट होता है कि एक वाटर बॉडी हो जो कि थ्री साइड से लैंड से घिरी हो तो उसको हम क्या कहेंगे बे लाइक देर इज बे ऑफ बेंगोल सो नाउ वी विल लर्न सम और टर्म्स रिलेटेड टू दिस कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आया है कि लैंड होता है जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हो तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक लैंड हो जो कि चारों साइड से पानी से घिरा हो सो so यहाँ पर आप देखेंगे जो डोटेड एरिया है ये लैंड है और ये जो प्लेन एरिया है ये वाटर है सो पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंड बाय वाटर जो कि पानी से चारों तरफ से ही घिरा हुआ है उसको हम आइलैंड कहते हैं इनका बिल्कुल इसका बिल्कुल ऑपोजिट बन जाता है इनर साइड हमारे पास एक वाटर बॉडी है जो कि चारों तरफ से ही लैंड से घिरी हो तो उसको हम Lake कहते हैं अब क्वेश्चन राइज होता है कि तीन साइड से हमें पता लग गया कि तीन साइड से लैंड घिरा हो वाटर बॉडी से तो उसको पेनंसुला कहते हैं चारों साइड से घिरा हो तो आइलैंड अब दो साइड से घिरा हो तो ये हमारा लैंड है उसके दोनों साइड वाटर बॉडीज़ हैं तो इसको हम कहते हैं इजमस इस्थमस साउंड नहीं है इजमस बोलते हैं जो कि दोनों ही साइड से वाटर बॉडी से जो है घिरा हुआ है इसका बिल्कुल ऑपोजिट है यहाँ पर वाटर बॉडी है और दोनों साइड लैंड है तो इसको हम स्ट्रेट कहते हैं सो so, इस तरह की हमने कुछ टर्म्स अभी पढ़ी हैं सो so, कोई भी एक पीस ऑफ लैंड है जो कि दो साइड से पानी से घिरा हो उसको इजमस तीन साइड से पेनंसुला और चारों साइड से तो आई और यदि एक साइड पर पानी हो एक साइड पर लैंड तो उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं सो नाउ लेट स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द टॉपिक द इंडियन सॉरी द पेनंसुला प्लेटो द पेनसुलर प्लेटू इज़ अ टेबल लैंड कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टेलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स सो पेनंसुलर प्लेटू एक टेबल लैंड है बिल्कुल एक टेबल की फॉर्म में जैसे आपने टेबल देखा होगा कि जो जनरल ग्राउंड होता है उसे थोड़ा ऊपर उठा हुआ और ऊपर जाके बिल्कुल प्लान जैसे हमने माउंटेंस देखे वहाँ पर पीक बनी होती हैं चोटियाँ बनी होती हैं यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ये टेबल लैंड की फॉर्म में होता है और क्रिस्टल से बने हुए इग्निस और मेटामॉर्फिक रोक से बनता है इग्निस रोक्स कौन से हमारे होते हैं जो कि वोल्कैनोज इरप्ट होने पर लावा जब बाहर आता है उससे ठंडा होने पर बनते हैं और मेटामॉर्फिक रोक्स हमारे होते हैं जब एक रोक दूसरी रोक एक दूसरी फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है तो उसको मेटामॉर्फिक रोक कहते हैं इट वॉज़ फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मार्स तो ये कैसे बना था हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था पेंजिया नाम का उसका जो सदर्न पार्ट था गोंडवाना लैंड और नर्दर्न पार्ट था अंगारा लैंड सो so, इंडिया गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था और जब धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया से अलग होता हुआ ऊपर की तरफ आया तो उस समय पर ये जो है हमारा इंडियन पेलन्सुला बनता चला गया और ये सबसे पुराना जो लैंड मास है उनमें इसको काउंट किया जाता है इसके कम्पेरिजन में यदि हिमालयज़ को हम देखें हमें पता है हिमालयज़ का निर्माण बाद में हुआ था सो so, उनको हम कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स बट इनको हम बोल देते हैं वन दे आर द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड द प्लेटो हैज ब्रोड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हील्स सो ये जो प्लेटो है यहाँ पर जो वैलीज पाई जाती हैं वो कैसी हैं ब्रोड काफ़ी चौड़ी हैं और शैलो हैं इनकी कम गहरी हैं एंड राउंडेड राउंडेड हील्स जो यहाँ पर हीस हैं वो राउंडेड टाइप की होती हैं जैसे ऊपर चोटियाँ नहीं बनती हैं जैसे ट्रेंगुलर शेप में जनरली ऐसे बनती हैं उस तरह से नहीं बनती हैं वहाँ पर दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू टू ब्रॉड डिविजन्स तो ये प्लेटू को हम दो कैटेगरीज में दो डिवीजन्स में जो है डिवाइड करते हैं नेमली सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेकन प्लेटू सो पेनन्सोला को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड द सेकेंड वन इज डेकन प्लेटू द पार्ट ऑफ द पेनन्सोला प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू इज नॉन एज देंट्रल हाईलैंड सो मैप पे एक बार देखते हैं इसको यहाँ पर जो पार्ट है हमारा सेंट्रल हाईलैंड वाला इसको जो पार्ट बोला गया यहाँ पर हमारा मालवा का जो प्लेटो है मालवा का पठार है अब उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा इसको रीड करते हैं द पार्ट ऑफ पेनसोला प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आ जाता है तो नर्मदा रिवर जो हमारी है यहाँ से औरिजिनेट होती है नर्मदा रिवर यहाँ से औरिजिनेट होकर यहाँ तक चली जाती है तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो पार्ट आता है और मोस्टली वो जो मालो प्लेटू के पार्ट को कवर करता है मालो प्लेटू इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड सो इस पार्ट को हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं तो यहाँ से लगभग ये वाला जो पार्ट हमारा बनता है यहाँ तक का ये पार्ट जो हमारा इस साइड में है ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट कहा जाता है द विंध्यन रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड अरावलीज़ ऑन द नॉर्थ वेस्ट अब विंध्या जो रेंज हमारी है विंध्या माउंटेन रेंज जो है इस बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ तो विंध्या के बिल्कुल जो हमारा साउथ वाले पार्ट में यहाँ पर आ जाता है विंध्याज़ के साउथ में है सेंट्रल हाईलैंड यहाँ तक और इसके यदि हम नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर देखें अरावली माउंटेन हमारी रेंजेज़ हैं जो कि राजस्थान में आती हैं द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंसन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रोकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान और जैसे जैसे अरावली हिल से आगे की तरफ ये बढ़ता चला जाता है तो यहाँ पर जो रेतीली ज़मीन है उसमें ये मिलता चला जाता है द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल द सिंध द बेतवा एंड केन इज़ फ्राम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट दस इंडिकेटिंग द स्लोप सो यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है कि इनका जो यहाँ पर रिवर्स बहते हैं उनका जो फ्लो है वो किस किस साइड से किस साइड पे जाता है हमारा जनरली तो यहाँ पर बताया गया रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल सिंध बेतवा एंड केन इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी यहाँ पर होती है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी इस साइड पर चली जाती है so, सो ईस्ट साइड से इस साइड तक ये रिवर्स ऐसे बहना शुरू कर देती हैं और जो रिवर्स हमें बताइए चंबल रिवर सबसे पहले गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है बाकी जो हमारी बचे हैं बेतवा सोन केन सिंध ये सारी हमारी यमुना रिवर में जाके मिल जाती हैं सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट बट नैरो द ईस्ट और सेंट्रल हाईलैंड का यदि हम यहाँ पर देखें यहाँ पर यह ज़्यादा वाइड है और इस साइड पे जाके थोड़ा कम वाइड रह जाते हैं इस तरह से हो जाते हैं लगभग द ईस्ट वर्ड एक्सटेंसन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड भागेलखंड अब इस वाले पार्ट से जैसे जैसे हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे इस पार्ट से इस वाले पार्ट को बोलते हैं बुंदेलखंड आगे वाले पार्ट को बोलते हैं भागीलखंड और बिल्कुल ही आगे जाके हमारा आ जाता है छोटा नागपुर प्लेटो द छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द फर्दर ईस्ट वोड एक्सटेंसन ड्रेन बाय दामोदर रिवर सो छोटा नागपुर प्लेटो जो हमारा यहाँ पर मैप पे दिखाया गया है ये जो हमारा जनरली पांच स्टेट्स को कवर करता है जिसका मेजर पार्ट है वो झारखंड के अंदर है और जिसकी नियर बाई स्टेट्स हैं जैसे कि हमारे पास बिहार का कुछ पार्ट है वेस्ट बंगाल है छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़ का यहाँ पर उड़ीसा का इन पांच स्टेट्स को करता है मेजर पार्ट झारखंड में सम पार्ट ऑफ बिहार देन वेस्ट बंगाल उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ तो यहाँ तक ये यह फैला हुआ थोड़ा हमारा छोटा नागपुर का प्लेटू जो है और यहाँ पर जो रिवर इनको ड्रेन करती है वो हमें बताई गई है कि दामोदर रिवर ड्रेन बाय दामोदर रिवर सो दामोदर रिवर यहाँ पर इसको ड्रेन करती है यानी कि यहाँ पर जिनको पानी मिलता है वो दामोदर रिवर के द्वारा मिलता है सो so, इस वीडियो में हमने पेनन्सुला प्लेटू के अपर पार्ट के बारे में यानी कि नदन पार्ट के बारे में पढ़ा है जो कि सेंट्रल हाईलैंड जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डेकन प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडियन पेनसुला का सदर्न पार्ट है यहाँ पर सो थैंक यू वेरी मच दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक इन दिस वीडियो हैव नाइस डे